चैनल गाना है समुंदर भाई बब्बू मान जी। इस गाने पे रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा टाइम से थी और कल आप लोग को कोई वीडियो देखने को नहीं मिला क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की समस्या हो रही थी, बहुत ज्यादा लाइट नहीं आ रही थी और बहुत सारी चीजें, तो कल नहीं अपलोड हो पाई वीडियो। और अब आज और कल में शायद ऐसे एक आपको वीडियो देखने को मिलेगी, एक या दो, क्योंकि मेरे एग्जाम स्टार्ट हैं। बट मैं जल्दी खत्म करके उन्हें वापस से बढ़िया रेगुलर रोज की दो तीन वीडियोज जैसे डलती है वैसे डलेंगी। तो गाने पे रिक्वेस्ट थी समुंदर, करते गाना स्टार्ट, देखते किस तरीके का होने वाला है। काफी दिनों के बाद मैं इनके किसी गाने पे रिएक्शन कर रही हूँ एंड समुंदर गाना सुनते हैं कैसा है, देखते हैं क्या होने वाला है। लेकिन रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आप लोगों ने चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन को भी क्लिक कर लिया है। और अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो वो तो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, बट सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। एंड समुंदर टाइटल है तो हो सकता है कुछ सैड ट्रैक हो या रोमांटिक ट्रैक हो, मतलब सूदिंग होने वाला है, ऐसी वाइब पहले से आ रही है, मतलब सुनेंगे तभी पता चलेगा। करते रिएक्शन स्टार्ट। तू तो कहता कि मैं रेत की तरह बिखर गया, तू तो कहता है कि मैं रेत की तरह बिखर गया। उसका क्या हुआ जो समंदर में उतर गया, उसका क्या हुआ जो समंदर में उतर गया। वो उड़ाता रहा यार, मैं भी उड़ता रहा। वो उड़ाता रहा यार, मैं भी उड़ता रहा। काट दी डो बेरहम ने के जब मैं शिखर गया। इसका क्या हुआ जो समंदर में उतर गया। निकला था वो, तुम रुको आया ये कह के निकला था वो। मैं उसी वक्त उसी मोड़ पर सनम ठहर गया। उसका क्या हुआ जो समंदर में उतर गया। मान ने यूं ही उछाला था खत हवाओं में, मान ने यूं ही उछाला था खत हवाओं में। न जाने कैसे बेरहम तेरी छत पे गिर गया। उसका क्या हुआ जो समंदर में उतर गया।
बहुत डिफरेंट वीडियो था इसका, गाना हिंदी, ठीक है, हिंदी प्लस सैड सॉन्ग था, लिरिक्स बड़े इसके से हार्ट ब्रेकिंग से थे, बट वीडियो बहुत अलग था इस गाने का. वी ऑल नो कि मतलब इस बारे में मैं क्या ही बात करूँ आप लोग से, आप लोग वीडियो देख के बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे क्या चीज़ें थी. मुझे भी वीडियो देख के हुआ कि यार दिस इज समथिंग डिफरेंट, और बहुत सैड है वीडियो, गाना बहुत सैड था. आई होप यू गाइज विल एंजॉय हैविंग पॉपकॉर्न, जो हमेशा भैया आ जाते हैं मेरे वीडियो बनाते वक्त, आपके वहाँ पे भी हैं तो आप लेके खा लो, मैं इनको क्या ही रोकूं. बट गाने के बारे में बात करते हैं, बहुत दिनों के बाद मैंने इनकी आवाज़ सुनी, बहुत दिनों के बाद इनका गाना सुना. मैं एक बार चेक कर लूँगी कि म्यूजिक किसका है. आई जस्ट वॉन्ट टू चेक द क्रेडिट. ओ सो वीडियो इज मेड बाय सुख संघेरा. आई न्यू अबाउट इट, मुझे नहीं पता था ये. ओके और चेक कर लो, क्रेडिट्स नहीं है. सिंगर लिरिक्स म्यूजिक बब्बू मान जी, वीडियो सुख संघेरा, सॉन्ग समुंदर, लेबल स्वैग म्यूजिक. तो यार एक चीज मैं बोलूं, जिसमें म्यूजिक था ना, कुछ गानों में कुछ नहीं, बहुत सारे गानों में, अब तक जितने मैंने गाने सुने ना, सारे गानों में इतनी आदत हो गई थी इनके एक अलग तरीके के म्यूजिक को सुनने की ना, कि इस वीडियो में म्यूजिक अलग लगा, इस गाने में म्यूजिक जो एक इन द बब्बू मान स्टाइल हमको सुनने को मिलता है, उससे थोड़ा डिफरेंट था ये म्यूजिक, उससे अलग था. जनरली क्या होता है ना कि इतनी आदत हो गई थी इनके गाने सुनने के बाद कि जैसे ही कोई म्यूजिक बज रहा तो कोई भी पॉपकॉर्न कंस्ट्रक्शन छोड़ो. खैर मैं ये बात कर रही थी कि कोई भी टोन भी हल्की सी बजे ना, या किसी भी तरीके का म्यूजिक बजे जो उनका एक स्टाइल में हमने सुना था, तो ना एकदम दिमाग में आ जाता है यार ये गाना बब्बू मान जी का है, ठीक है पक्का ये उन्हीं का है. बट इस गाने का म्यूजिक अगर बजे, शायद ये हिंदी सॉन्ग था इसलिए हिंदी लिरिक्स को इस तरीके की म्यूजिक चाहिए था, शायद इसलिए ये अलग लग रहा था, कुछ भी हो सकता है. इसमें कुछ कह नहीं सकते कि क्या बात होगी, बट हाँ ये म्यूजिक डिफरेंट था बाकी के गानों से. गाना बहुत सैड था, नो डाउट इन दैट. मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं एंड में वीडियो के बारे में क्या बात करूं, बट जो उसमें एक पैराग्राफ आया था ना, मेरा फेवरेट पैराग्राफ था वो. आप लोगों को कौन सा पैराग्राफ पसंद है गाने में मुझे कमेंट से बताना. मुझे पसंद आया जब उसमें उन्होंने बोला कि जब तूने मुझे जहां रुकने को कहा मैं रुक गया उसी मोड़ पर उसी वक्त पर, तो मुझे वो वाला पैराग्राफ था, वो बड़ा ऐसे सैड और डीप और बढ़िया सा लग रहा था. सो येस दैट वॉज माई रिएक्शन ऑन दिस सॉन्ग समुंदर बाय बब्बू मान जी. आपको कैसा लगा ये गाना, और साथ ही इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो ऑडियंस को हमेशा हमेशा पता होते हैं, मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना. कैसा लगा रिएक्शन वो भी बताना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन. वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना.